सीबीआई में अवैध खनन मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। जांच के लिए सीबीआई की 7 सदस्य टीम साहिबगंज पहुंची। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की 7 सदस्य टीम साहिबगंज पहुंची है और साहिबगंज में हुए अवैध खनन मामले की जांच के सिलसिले में वो पहुंची है। इसके अलावा साहिबगंज के नींबू पहाड़ में हुए अवैध पत्थर उत्खनन की जांच की जाएगी और ईडी के प्रमुख गवाह विजय कुमार हांसदा का अपने बयान से मुकरने की खबर को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि ईडी के प्रमुख गवाह विजय कुमार हांसदा ने हाई कोर्ट में अपनी शिकायत वापस लेने के बाद मामला काफी पेचीदा हो गया है और अब इस अवैध खनन मामले की जांच को लेकर सीबीआई पहुंची है। सीबीआई ये पता लगाएगी कि आखिर ईडी के प्रमुख गवाह विजय कुमार हांसदा क्यों बार बार अपनी शिकायत कोर्ट के माध्यम से वापस ले रहे हैं और इसकी जांच भी की जाएगी। साथ ही अवैध खनन संबंधित मामले को लेकर ईडी जिले के कई अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि ईडी के प्रमुख गवाह विजय कुमार हांसदा ने हाईकोर्ट में अपनी शिकायत वापस लेने के बाद मामला काफी पेचीदा हो गया है और अब इस अवैध खनन मामले की जांच को लेकर सीबीआई पहुंची है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमन साहिबगंज से जुड़ चुके हैं। अमन, सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंची है और सीबीआई अवैध खनन मामले में जांच कर रही है। अमन, किन किन मुद्दों पर और किन किन लोगों से सीबीआई जांच पड़ताल करेगी? जी काजल, आज तकरीबन सुबह 7 बजे साहिबगंज बनांचल एक्सप्रेस ट्रेन से सीबीआई की 7 सदस्य टीम पहुंच चुकी है और अभी फिलहाल साहिबगंज के सर्किट हाउस में सीबीआई की टीम ठहरी हुई है और वहीं संभवतः यह है कि उसी वहीं अस्थायी कार्यालय भी सीबीआई क्योंकि सीबीआई की 7 सदस्य टीम जो आज साहिबगंज पहुंची है, साहिबगंज के सर्किट हाउस में ठहरने के बाद टीम साहिबगंज के सिमरिया मौजा में जो नींबू पहाड़ है, नींबू पहाड़ का भी निरीक्षण कर सकती है। इसके बाद संबंधित लोगों को बुलाकर पूछताछ के लिए सर्किट हाउस भी बुलाया जा सकता है। हालांकि अभी सीबीआई क्या क्या करेगी ये तो सीबीआई के द्वारा अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई, परंतु सूत्र यह बताते हैं कि विगत 2 मई 2022 को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से साहिबगंज पुलिस के पास विजय कुमार हांसदा ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, पत्थर व्यवसायी विष्णु यादव, पवित्र यादव, राजेश यादव, बच्चू यादव, संजय यादव और सुभाष मंडल सहित अन्य पर नींबू पहाड़ पर अवैध खनन करने का आरोप लगाया था कि इन लोगों ने नींबू पहाड़ पर अंधाधुन पत्थर का ब्लास्टिंग कर प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर बांग्लादेश और बिहार भेज रहे हैं। इसी मामले में ईडी ने इस मामले को लेकर प्रारंभिक जांच की और जांचोपरांत ईडी की कार्रवाई भी शुरू हुई साहिबगंज जिला में। आज उक्त कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सलाखों के पीछे हैं, कई पत्थर व्यवसायी भी सलाखों के पीछे हैं, परंतु जो इस सिलसिले में जो प्रमुख गवाह थे विजय कुमार हांसदा बार बार कोर्ट के माध्यम से यह आवेदन दे रहे थे कि वह अब यह केस नहीं लड़ना चाहते हैं। इसके पूर्व भी सीबीआई व ईडी इस मामले में जांच भी की थी। अब विगत 18 अगस्त को इस मामले में सीबीआई को जांच का आदेश हाईकोर्ट के माध्यम से मिला। सूत्र यह भी बताते हैं कि सीबीआई को यह जो जांच का जिम्मा दिया गया यह एसीबी यूनिट को मिला है। सीबीआई ने अवैध खनन की जांच शुरू करने से पहले इस मामले में संबंधित विभाग से आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराने को कहा गया था। साहिबगंज जिला प्रशासन को उक्त मामले को लेकर आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराने को कहा गया था। सूत्र यह भी बताते हैं कि मंडरो अंचल के सिमरिया मौजा के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन की शिकायत करते हुए याचिका दायर कर सीबीआई ने जांच करने की मांग की थी, सीबीआई से जांच करने की मांग, लेकिन बाद में उसने कोर्ट में रिट याचिका वापस लेने का अनुरोध किया था, परंतु हाईकोर्ट ने उक्त मामले में रिट याचिका को निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया। अब उस उक्त मामले को लेकर सीबीआई पहुंची है। अब
किन किन लोगों से पूछताछ की जाएगी। सूत्र यह भी बताते हैं जिला के कई अधिकारियों से भी पूछताछ होगी। अब मामला आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा कि आखिर। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एशफेल रस ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।